बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव ऐसी शख्सियत हैं जो कभी सियासत तो कभी निजी कारणों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब उनको लेकर एक खास खबर भी सामने आ रही है, वो ये कि अब लालू की जल्द ही बायोपिक बनने वाली है। लालू की पार्टी राजद के ही एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बायोपिक बनने का काम पिछले 5-6 महीने से जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्क्रिप्ट के अधिकार यादव के परिवार से ले लिए गए हैं और बायोपिक का प्रोडक्शन प्रकाश झा का होगा। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बायोपिक को फाइनेंस कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही पैसा दिया जा चुका है। लालू पर बनने जा रही बायोपिक का कंटेंट कैसा होगा इस पर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लालू यादव के जीवन पर उन पहलुओं को दर्शाया जाएगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बायोपिक में उनकी उपलब्धियों और सियासी यात्रा को भी दिखाया जाएगा। बायोपिक की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही फिल्म की कास्टिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादातर हिंदी बेल्ट के कलाकारों को शामिल किया जाएगा। लालू पर बन रही बायोपिक के बारे में जब प्रकाश झा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया। हालांकि राजद के प्रदेश प्रवक्ता चिंता रंजन गगन ने कहा कि लालू यादव के जीवन पर बायोपिक बन रही है, ये अच्छी बात है। देश के युवाओं समेत सभी वर्गों के लोगों को उनके जीवन के बारे में काफी दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव पर पहले भी काफी किताबें और फिल्में बन चुकी हैं। लोग ये भी समझना चाहते हैं कि लालू कैसे सामाजिक न्याय की मुख्य क्रांति लाए। लालू यादव अपने ठेस और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। संसद में उनका भाषण सुनने को हर कोई उत्सुक रहता है। बिहार से लेकर देश की सियासत में लालू का सियासी सफर काफी रोमांचक रहा है। लोगों को उनके जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रही है। राजनेताओं के जीवन पर बनी फिल्मों की बात करें तो बाला साहिब ठाकरे पर भी फिल्म ठाकरे बनी थी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ठाकरे का किरदार निभाया। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में विवेक ओबरॉय ने मोदी का किरदार निभाया, तो वहीं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया। ऐसे में लालू पर बन रही बायोपिक उनके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी।